उत्तराखंड के चमोली जिले के सीमावर्ती इलाके में बरसाती नदी जुम्मागाड़ में अचानक आई बाढ़ के कारण उस पर बना पुल ढह गया, जिससे भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई। साथ ही एक दर्जन से अधिक सीमांत गांवों का संपर्क टूट गया। बता दें कि बीती रात चमोली में मूसलाधार बारिश के कारण जुम्मा नाले की पहाड़ियों में ग्लेशियर फट गया। ग्लेशियर फटने के कारण धौली गंगा उफान भरने लगी, जिसके चलते आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहीं बाढ़ के चलते आज सुबह जुम्मा पुल ढह गया। गया कल पुल है, वही पुल के बह जाने के कारण बॉर्डर की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। पुल के बहने से भारत चीन की सीमा पर लगी सैन्य चौकियां गमसाली, मलारी और रिमखिम में आईटीबीपी और सेना की चौकियों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। वहीं आसपास काफी अधिक लैंडस्लाइड भी बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की, तो यहां भी बीते दिन भारी बारिश के चलते कंचनगंगा नाले में मलबा आने से पूरी सड़क बह गई, जिसके चलते सड़क पर काफी लंबा जाम लग गया। वहीं प्रशासन ने पहाड़ी के ऊपर की ओर का हिस्सा खोदकर और पहाड़ी से बहकर आए मलबे को काटकर उसके ऊपर काम चलाओ सड़क बनाई है, जिसे अब वैकल्पिक आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चमोली से पूरन भिलंगवाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।